हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं जो कि इन्फोसिस में आई हुई है। बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए, अगर आप एक फ्रेशर हो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और मोस्टली मैं इस चैनल पर फ्रेशर्स के लिए ही जॉब पोस्ट करता हूँ। इफ़ यू आर फ्रॉम बी कॉम एंड बी यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और ये स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। दैट इज़ वाई, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। थंबनेल में हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकते, बहुत लोग कमेंट करते हो थंबनेल में मेंशन करने के, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई लाइक स्पेसिफाई एवरीथिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, सो जो आपके लिए स्पेसिफिक है वही लोग देख सकें, जो जो लाइक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अपना ग्रेजुएशन ईयर जरूर कमेंट कर देना, बी कॉम बी ई के लिए जॉब है। इफ़ यू आर फ्रॉम बी कॉम, इफ़ यू आर फ्रॉम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, आप अगर फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। सो शुरू करने से पहले एक बहुत ही काम की बात बता दूं, दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल हु इज़ लुकिंग फॉर अ ग्रेट करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द एस्पेक्ट्स लाइक व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द आर्किटेक्चर ऑफ द ग्रेट एप्लीकेशंस लाइक गूगल, अमेजॉन, ओला, जोमैटो, हाउ टू इम्प्रूव द कोडशेफ रैंकिंग, कैसे कोडशेफ की रैंकिंग इंप्रूव करें, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू नो। आर होर्स आर वर्किंग विद द टॉप कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन एंड मेनी मोर कंपनीज like this. They are the 7-star coders on CodeChef, are industry experts with years of experience. They will walk you through their own industry experience and interact with their lots of guests like HRs and industry leaders of the top companies, where they will ask the questions raised by you. आप लोग जो लोग जो क्वेश्चन रेज करोगे वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे जो HR है, लीडर्स हैं उन पर्टिकुलर टॉप कंपनीज के। इन लाइव एपिसोड्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क टेक HRs अबाउट द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इंडस्ट्री लीडर्स डायरेक्टली अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द स्टार्टअप्स एंड MNCs, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ दे बिल्ड सच ग्रेट प्रोडक्ट्स। इवन आप अपना रेज्यूमे या कॉलेज या पर्सनल प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करवा सकते हो बाय गेटिंग रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट SDs. Not only this, you can also participate in mock interviews and learn the courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto, tech aspects of the digital marketing, data analytics. There are many things that you can do. So they are some of the top educators who will be teaching you about the college products, about the tech extracurriculars, about the HR talks, world of data analytics, and top interview questions. And you will be learning many things in a very structured way as compared to YouTube. This will be very, very structured. So listening to all these things about the features and all the things you will be getting in this particular course, you might be thinking ki bahut zyada mehanga hoga course, bahut zyada costly hoga. It is not like that. The charge is only 999 per year, that is 1000 rupees per year, and you will be getting an extra discount of 10% by using my code ANU10, and you can also see the links, all the links are in the description. It will be helpful for you. Do subscribe, do use this subscription to gain a lot of knowledge. So this was it, and let's go to the video. So ab aa gaye apni video pe, that is for the Infosys, aur yahi se aapko apply karna hai, process executive ki job hai. Jaise ki maine starting mein bataya ki the role is for freshers ke liye role hai, starting mein hi bata diya taki aap logo ka time na waste ho, jo jo ho wahi dekh sako. Next thing, that if you're from BCom and B, you can apply for this. Education requirement is for BCom and B. If you're from B, Bachelor of Engineering, or BCom, Bachelor of Commerce, you can apply for this. ठीक है, तो ये आपकी preference होने वाली है. That is the basic eligibility criteria. That is important. Next thing, what is the work location? Work location will be Pune. अभी के लिए Pune mentioned है, because देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, Infosys what they do. पहली चीज़ तो last date इस पर कोई भी नहीं mentioned है, ऐसा नहीं है कोई last date mentioned है, कब खत्म हो जाए ये चीज़ भी नहीं बताया मेरे को. ठीक है, so like there is no last date. When you will research about this thing, ना, this is the only page, like यही छोटा सा पेज है जहां पे सारी चीजें mentioned है, everything is mentioned, but no last date is there. So please comment on, ऐसे मत करना यार कि हाँ expire हो जाता, expire नहीं होता है तभी यार, हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं. ठीक है, तो वो चीज लेट हो जाती है कभी कभी, कभी कभी डेट नहीं मेंशन होते तो उसमें लेट हो जाता है, तो हो सकता है वो चीज. ठीक है, बट यू नीड टू वेट, एक्सपायर्ड कभी कभी दिखाएगा बट बाद में रिलोड हो जाता है एक दो दिन बाद. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पुणे का लोकेशन है. पुणे लोकेशन डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन पोस्टिंग सब्जेक्ट टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट. ऐसा नहीं है इफ दैट इज पुणे रिटर्न लिखा है तो पुणे में ही पोस्टिंग होगी, वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू विल सी हियर दैट इट इज अ, व्हाट इज अ सर्विस लाइन, बिजनेस
सॉरी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस द प्रेफर्ड स्किल इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के प्रेफर्ड स्किल्स है, दैट इज कस्टमर सर्विस। अगर आपको पता है क्या होती है क्या नहीं होती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपको डायरेक्टली आपको कस्टमर के साथ हो सकता है इंटरेक्शन हो, एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन हो, तो आपको कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। वर्बल तभी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज़ इफ यू आर गोइंग फॉर एनी रोल, कोई भी रोल के लिए किसी भी कंपनी में जा रहे हो, इफ इट इज़ अ बिग कंपनी, इफ इट इज़ अ स्मॉल कंपनी, डजेंट मैटर। इफ़ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर जरूर काम करना। आई हैव मेड मेनी वीडियोज वॉट आई हैव ट्राइड, हाउ आई डिड, लाइक वॉट थिंग्स आई ट्राइड आउट, सो दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स गॉट इंप्रूव, ठीक है। वो सारी स्किल्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ, यू विल गेट इन द करियर गाइडेंस सेक्शन, आप प्लेलिस्ट इज देयर ऑफ करियर गाइडेंस, यू विल गेट दैट थिंग, यू कैन गो देयर एंड सी वॉट आर द एक्सपीरियंस, यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी कम्फर्ट शुड बी टेक सेवी, टेक सेवी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरनेट इशूज, कनेक्टिंग वाईफाई इक्विपमेंट सेटअप, रिमोट कंट्रोल इशूज, देन दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। ये सारी तभी यहाँ पे बी भी एलिजिबल और बी कॉम भी एलिजिबल है, फाइनेंशियल बेस भी है और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा तो बी भी एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और बी का यहाँ पे कोई रोल वो नहीं मेंशनड है कि सीएसए वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले वैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं मेंशनड है तो यही चीज़ मानी जाती है दैट इफ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज द इशूज रेज्ड, प्रोवाइड रेजोल्यूशन वट एवर इशूज आर रेज बाई द कस्टमर और एम्प्लॉय और समथिंग हु एवर यू विल इंटरेक्ट विद, अगर उनसे कोई रेज कर रहा है प्रॉब्लम्स देन यू नीड टू सॉल्व दैट, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ योर्स योर जॉब रोल। नेक्स्ट थिंग, मस्ट बी सक्सेड इन हाई ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, हाईली ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स जो होते हैं उसमें हाँ काम करने आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा बेसिकली, जहाँ पे आपको गूगल की तरह वो पूछता है कि फ्रॉम विच यू नीड टू लॉग इन, यू कैन ऑल्सो इफ यू हैव अ मेल आई डी, इफ यू आर फोन नंबर, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, देन यू कैन डायरेक्टली लॉग इन और यू कैन चूज योर गूगल अकाउंट। आई विल चूज माई गूगल अकाउंट चूज आउट करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली लॉग इन होगा। आई हैव बीन प्रीवियसली, लाइक मैंने प्रीवियसली भी बहुत ढेर सारे लाइक वीडियोज बनाए जिसमें मैंने लॉग इन करके देखा, जैसे ये एक्सपायर्ड देखा है ना भाई, ये एक्सपायर्ड ये कभी कभी शो करता है, सो इट इज कॉमन है, ठीक है। ये इन्फोसिस के साइट का क्या कहूँ, किस चीज़ का इश्यूज है आई डोंट नो, बट इन इन्फोसिस आई हैव सीन दैट फॉर वेन एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने पहले ही फॉर्म भर के रखा, दैट इज डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रीफर्ड सिटी लोकेशन यू कैन फिल एनी, द इंटरव्यू विल बी रिमोट, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होने वाला बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड ऑल, इंटरव्यू विल बी ऑनलाइन। नेक्स्ट थिंग, द फ्रेशर्स कैन अप्लाई, लाइक यू आर अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई, डेफिनेटली फ्रेशर यहाँ पे डाल दिया मैंने। नेक्स्ट थिंग, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगता है तो जीरो डाल दो, खत्म। इफ यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस जस्ट एंटर जीरो, देन योर स्किल्स वट आर द स्किल्स यू हैव, आई हैव जस्ट एंटर माई जनरल स्किल्स, वट एवर आई एम वर्किंग विद, वट एवर आई हैव एज एन एग्जाम्पल, यू कैन टेक योर स्किल्स, आप अपने स्किल्स यहाँ पे डाल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए या टेक्निकल में कोई चीज आती है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, ये सारी चीजें आती है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड राइट आउट देयर, ठीक है। तो उसमें बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, योर फोन नंबर योर कंट्री कोड विल बी 91 ओनली, आप इंडिया से ही हो, आप लोग देख रहे हो जो, सो यू विल जस्ट एंटर योर कंट्री कोड एंड 91, दैट इज योर कंट्री कोड, देन योर फोन नंबर आप लोग एंटर कर दोगे, देन अ रेज्यूमे नीड्स टू बी अपलोडेड, यू हैव टू अपलोड अ रेज्यूमे, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन यू नीड टू चेक हियर इफ लाइक यू आर एन एक्स इन्फोसिसियन, मतलब आपने पहले इन्फोसिस में काम किया है, बाद में छोड़ दिया, कोई इशूज या कुछ भी हो, तो वहाँ पे येस करोगे तो यहाँ एम्प्लॉय नंबर मांगेगा, देन यू कैन एंटर दैट एंड यू कैन अप्लाई। आई विल जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इन्फोसिस का सबसे ईजी प्रोसेस होता है, just need to do these things and then you have been successfully applied for the process executive role, ठीक है। तो ये process है पूरा ऐसे ही होता है। So as you can see this is the mail that you get, बहुत लोग कहते हैं mail नहीं आती है, mail ये आया है 0 minutes ago, I have just got this mail and it is written here that like thanks for applying for senior process executive, 0 years of experience required but serious senior process executive and if the candidate like this is the registration, candidate ID है आपकी, ठीक है। If you can wrote out these things and you can also track from that old, यहीं से आप track वगैरह भी कर सकते हो, like अगर मैं दिखाऊँ actually यहीं से dashboard, हाँ my applications में आप जाओगे यहाँ से directly यहीं से दिखाएगा, these are the actually यहाँ पे not selected और applied ये सब दिखा रहा है because मैंने पहले like जब मैं videos बनाता हूँ तो इसी email ID से मैं apply करता हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रही है, so you can do that। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हो कि यहाँ एप्लीकेशन आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, दैट ऑल थिंग्स यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर एंड दैट वाज इट, यही सारी
चीजें मेल यही आता है, यही सारी चीजें मैंने सब कुछ बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट आर द मेन थिंग्स यू नीड टू कीप इन द माइंड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर इट, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग, एंड व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, आई हैव एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि आपको करना क्या है बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, सारी चीजें हमने बात कर ली, हर एक चीज के बारे में एक करके बात कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपना ग्रेजुएशन जरूर कमेंट करना, अपना ग्रेजुएशन डिग्री जरूर कमेंट करना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोस एंड इट विल बी आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।